नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त जी व्यास के द्वारा विरचित शिवराज विजय का 25वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को भारतवर्ष की मोहम्मद गजनवी के समय जो भारतवर्ष की दुर्दशा हुई थी उसी दशा अवस्था का वर्णन उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं, मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। अतः काल कर्मेण सप्ताशीत्य उत्तर सहस्र तमे विक्रमा शब्दे सशोकम सकष्टम च प्राणान त्यक्तवती महामदेह गौरदेशवासी कश्चित सहाबुद्दीन नामा प्रथम गजनी देश आक्रमय महामद कुलम धर्मराज लोका ध्वनि अध्वनिनम विधाय सर्वः प्रजाश्च पशु मारम मारित्वा तद्र रुधिर आद्र मृदा घोर देशे बहुन गृहान निर्माय चतुरिंगणाय अनिकिन्याः भारतवर्ष प्रविश्य शीतल शोणितान अप्यसयन पंचाशद उत्तर द्वादश शतमितेः शब्देः दिल्लीम अस्वया अंबु भुवः। अतः काल कर्मेण, इससे पहले वाले गद्यांश में हमने पढ़ा था किस तरह से सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कर महादेव की मूर्ति को तोड़कर वहां से वह अरब अरब और संख्या में जो रत्न मूल्य थे उनको लेकर ऊंटों पर लादकर अपने गजनी देश में ले गया था। इसके पश्चात में बता रहे हैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी उल्लेखित कर रहे हैं और इसी संदर्भ में योगीराज को ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अतः काल कर्म यानी तत्पश्चात यानी इसके पश्चात काल कर्म से यानी समय की गति के द्वारा सप्ताशीत उत्तर सहस्र तमे यानी 1087 वर्ष है ना, विक्रम संवत के संदर्भ में आया है कि सप्ताशीत उत्तर सहस्र तमे यानी तत्पश्चात काल कर्म से विक्रमा शब्द है यानी विक्रमा आपदे है ना, विक्रम आपदे यानी विक्रम संवत 1087 में सशोकम यानी शोक और सकष्टम यानी कष्ट के साथ चह प्राणान प्राणान किसके प्राण त्याग देने पर, प्राणान शब्द आ रहा है ना, किसके प्राण के प्राणान त्यक्तवती महामदे या महामदे मोहम्मद गजनवी के संदर्भ में आया है कि सशोकम यानी कष्ट के साथ और सशोकम यानी शोक के साथ च यानी इन दोनों के साथ प्राणान त्यक्तवती महामदे यानी उस मोहम्मद गजनवी के प्राण त्याग देने पर गौर देशवासी यानी कोई गौर देश का निवास करने वाला गौर देश निवासी कश्चित सहाबुद्दीन नामना यानी कोई सहाबुद्दीन नाम का प्रथम गजनी देश यानी कोई गजनी क्या किया, जिसने गौर देश निवासी कोई सहाबुद्दीन नाम का किसी यवन ने पहले क्या किया, गजनी देश आक्रमण यानी पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम यानी मोहम्मद गजनवी के जो वंशज है उन कुलों को क्या किया, धर्मराज क्या कह रहे धर्मराज लोका ध्वनि अध्वनिनम यानी धर्मराज लोका ध्वनिन अध्वनिनम यानी धर्मराज के लोक के पथ का पथिक बनाकर, कहने का तात्पर्य है धर्मराज का तात्पर्य यमराज से संबंधित है यानी उनको यमलोक में पहुंचा कर है ना, कि धर्मराज लोका ध्वनि अध्वनिनम यानी यमराज के लोक का पथिक बनाकर यानी उनको मारकर फिर क्या किया उसने, सर्वाह प्रजाश्च पशु मारम मारित्वा और सारी जो प्रजा है उनको पशुओं की मौत मारकर यानी उनको पशुओं को जिस तरह से निर्मम हत्या की जाती है उसी तरह से उन प्रजाजनों की भी उसने पशुओं की तरह उनको मारकर और उन्हीं के तद्र रुधिर आद्र मृदा यानी उन्हीं के रक्त से गिली मिट्टी से गौर देश यानी गौर देश में बहुन गृहान यानी बहुत से गृहान शब्द का अर्थ घर को बनाकर और निर्माय निर्माय का अर्थ रचना कर, किसकी रचना कर, चतुरिंगणिया यानी चतुरिंगणी जो चतुरिंगणी जो सेना होती है चतुरिंगणी सेना का जो विशेषण है चतुरिंगणी सेना यानी जो हाथी घोड़े रथ पर सवार तथा पैदल चलने वाले चारों प्रकार के सैनिक है उसके संदर्भ में आया है कि चतुरिंगणी अनिकिन्या यानी चतुरिंगणी सेना का निर्माण कर करके भारतवर्ष पर विषय यानी उसने भारतवर्ष में प्रवेश किया और फिर शीतल सोणी
अप्यसयन यानी शीतल रक्त वाले, शीतल सोनितान शब्द आया, यानी शीतल का अर्थ ठंडे और सोनितान का अर्थ रक्त वाले, यानी शीतल यानी ठंडी विचारधारा वाले या युद्ध नहीं करने वाले, ठंडे रक्त वाले, युद्ध की इच्छा से विरक्त रहने वाले उन भारतवर्ष के लोगों को उसने क्या किया, असयन यानी उनको तलवार के घाट उतारता हुआ, असयन शब्द का अर्थ है उसने भारतवर्ष में बहुत बड़ा आतंक मचाया, उसने भारतवर्ष के जो निवासी है उन लोगों को भी क्या किया, उसने तलवार से उनको मौत के घाट उतारता हुआ। पंचाशद उत्तर द्वादश शतम मितेह अब्देह दिल्लीम अश्वयाम अम्ब भुवः, यानी उसने क्या किया 1250 ईस्वी में क्या किया, दिल्ली को घुड़सवार सेना से उसने दिल्लीम अश्वयम, दिल्ली यानी दिल्ली को अश्वयाम अम्बु भुव यानी उसने जो हमारी दिल्ली है उसको घुड़सवार सेना से उसने घेर लिया। इस तरह से ब्रह्मचारी गुरु योगिराज को अब यहाँ पर मोहम्मद गजनवी के बाद 100 दिन ने भारतवर्ष पर किस तरह से भारतवर्ष की दुर्दशा की उसके संदर्भ में बताते हैं। एक बार पुनः गद्यांश का वाचन करता हूँ, ध्यान से सुनिए कि अथ कालक्रमेण यानी इसके पश्चात काल क्रम से सप्ताशीद उत्तर सहस्रतमे यानी विक्रम संवत 1087 विक्रमाम आब्धेह सशोकम यानी 1087 ईस्वी में शोक और सकष्ट में कष्ट के साथ प्राणान त्यक्तवती यानी प्राणों का त्याग कर देने के पश्चात महामदे यानी उस मोहम्मद गजनवी के प्राणों का त्याग कर देने के पश्चात गौर देशवासी है यानी गौर देश में निवास करने वाला कश्चित यानी कोई सहोबुद्दीन यानी सहोबुद्दीन नाम का प्रथम गजनी देश आक्रमण यानी सहोबुद्दीन नामक किसी यवन ने पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम यानी मोहम्मद के वंशजों को धर्मराज लोका ध्वनि अध्वनिनम यानी यमराज के लोक का पथिक बनाकर सर्वाह प्रजाश्च पशु मारित्वया सारी प्रजा को पशुओं की मौत मारकर त्रद रुधिर आर्द्र मृदा यानी उनके रुधिर से गिल्ली मिट्टी से है ना उनके रक्त की गिल्ली मिट्टी से गौर देश में बहुन गृहान निर्माण यानी बहुत से घर बनाकर चतुरिंगिणया अनिक्या यानी चतुरंगी सेना के साथ भारतवर्ष प्रवेश यानी भारतवर्ष में प्रवेश कर शीतल सोनितान अपश यानी शीतल रक्त वाले यानी युद्ध की इच्छा से रहित भारतीयों को असयन यानी तलवार का निशाना बनाते हुए पंचाशद उत्तर द्वादश शतम मिते अब्देह दिल्लीम अश्वया अम्बु भवः यानी उसने क्या किया 1250 ईस्वी में दिल्ली को घुड़सवार सेना से उसने भारतवर्ष को घेर लिया। इस तरह से यहाँ पर गौर देश के निवासी सबहुद्दीन ने किस तरह से भारतवर्ष को बताया इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का विवरण तथ्यानुमोदित थे और इस तरह से यहाँ पर अथ कालक्रमेण इत्यादि कथन से समय की बलवत्ता और गतिशीलता की भी व्यंजनाओं की समय चक्र के द्वारा किस तरह से मोहम्मद गजनवी ने जैसे कर्म किए उसी के अनुसार उसको अपनी मृत्यु के समय बहुत सारा कष्ट और शोक के साथ उसके भी प्राणों की गति उसी तरह से हुई। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय का 26वां गद्यांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरु योगिराज से बता रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी के पश्चात जो गौर देश का निवासी सहोबुद्दीन ने किस तरह से भारतवर्ष की दुर्दशा की और इस वाले गद्यांश में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के ऐतिहासिक प्रसंग का भी उल्लेख किया है कवि ने कि उनकी फूट से भारतवर्ष में यवन साम्राज्य के भारत में किस तरह से यवन साम्राज्य जो भारत में जम गया था उसकी भी व्यंजना हुई है। तो हम गद्यांश को देखते हैं, मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। ततो दिल्लीश्वेश्वरम ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्यमानम आकलश्य अनायसेन भावपि विशिष्य वाराणसी पर्यंतम अखंडम मंडलम अकंटकम किटकिटम महारत्नम इव महाराज्यम अंगीचकार तेन वाराणस्यमपि बहव स्थिर्गृह प्रचिता रिंग तरंग भंगा गंगा अपि शोणित शोणा शोणीकृता परसहस्राणि च देव मंदिराणि भूमिश भूमिशाक्त कृतानि। अब सहोबुद्दीन जो घोर देश का निवासी है उसने किस तरह से भारतवर्ष में क्या किया,
उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि ततो दिल्लीश्वर यानी तब यानी उस समय की बात को बता रहे हैं कि जब सबाउद्दीन ने भारतवर्ष पर दिल्ली को जब अश्व घुड़सवार सेना से घेरा तब क्या हुआ कि ततो दिल्लीश्वर यानी तब दिल्लीश्वर एवं दिल्ली के ईश्वर यानी दिल्ली के जो राजा पृथ्वीराज यानी जो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कान्य कुब्जेश्वर यानी कान्य कुब्ज या कन्नौज के आया है ना कि कन्नौज के जो राजा हैं जयचंद्र यानी जयचंद्र च पारस्परिक विरोध यानी दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद्र के पारस्परिक विरोध को ज्वर ग्रस्त यानी ज्वर से ग्रस्त विस्मित राजनीति यानी राजनीति से ज्ञान शून्य तथा भारतवर्ष यानी भारतवर्ष के दुर्भाग्यम माणम आकलय अनायासेन सेनो भावोपीय यानी दुर्भाग्य भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझकर और उसने क्या किया दुर्भाग्यम आणम यानी भारतवर्ष के दुर्भाग्य को उसको समझ कर क्योंकि भारतवर्ष का दुर्भाग्य यह था कि भारत के राजा आपस में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया क्योंकि जहां पर हमारे पृथ्वीराज चौहान और कान्य कुब्जेश्वर राजा जयचंद्र के पारस्परिक विरोध का लाभ इस सबाउद्दीन ने उठाया इसीलिए उन्होंने इस बात को बताया है कि ज्वरग्रस्त यानी उन दोनों के ज्वर से ग्रस्त और विस्मित राजनीति यानी दोनों के राजनीति से ज्ञान शून्य तथा भारतवर्ष यानी दोनों के भारतवर्ष के दुर्भाग्यम आणम यानी दोनों के दुर्भाग्य को समझकर फिर क्या कह रहे आकलियम अनायासन सेनो अपी यानी दोनों के आकल यानी समझ कर अनायासेन यानी बिना किसी प्रयास के उसने क्या किया बिना किसी प्रयास के अनायासेन यानी उसने बिना ही कोई प्रयास किया क्योंकि वो दोनों ही आपस में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाने के कारण उन उभो अपी यानी उन दोनों के अनायासेन उभो अपी यानी उन दोनों के फूट डालो राज नीति के कारण बिना किसी प्रयास के विशेषय विशेषय का तात्पर्य है उसने उन दोनों को मारकर विशेष यानी उन दोनों को पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के संदर्भ उन दोनों को अनायास ही मारकर क्या किया वाराणसी पर्यंतम अखंडलम वाराणसी पर्यंतम अखंडम मंडलम अखंडम अखंडम मंडलम कंठकम किटकिटम क्या कहने कि उसने उन दोनों को मारकर फिर क्या वाराणसी पर्यंत यानी वाराणसी यानी बनारस तक वाराणसी का अर्थ है बनारस तक अखंड यानी अखंड और निष्कंटक कीट है ना कीटम कीट यानी कीट और मल से अस्पष्ट है ना कीट और मल से रहित और महारत्नम यानी महारत्न के महारत्न के समान महाराज्य अंगी चकार यानी विशाल साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद के पारस्परिक विरोध से के ज्वरग्रस्त होने से राजनीति से ज्ञान शून्य तथा भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझकर उस सबाउद्दीन ने बिना किसी प्रयास के द्वारा ही इन दोनों को मारकर बनारस तक अखंड निष्कंटक और कीट और मल से स्पष्ट महारत्न के समान विशाल साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया इसी बता रहे कि भारतवर्ष दुर्भाग्यम आणम आकलेय यह सेना भावपीय विशेष वाराणसी पर्यंत यानी वाराणसी पर्यंत तक अखंडम मंडलम कंठकम किटकिटम यानी उसने क्या किया अकिटकिटम यानी कीड़े और मल से रहित अकंठम निष्कंटक और विघ्न बाधाओं से रहित यानी बिना किसी बाधा के महारत्नम यानी महारत्न के समान महाराज्यम अंगी चकार यानी विशाल साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया तेन वाराणसीयम अपि यानी उसने वाराणसी में भी यानी उसने बनारस में भी बहु स्थिर गृह प्रचिता यानी उसने क्या किया वाराणसी में भी क्या किया अस्थि गृह प्रचिता बहु यानी उसने वाराणसी में भी क्या किया हड्डियों के पर्वत से तात्पर्य है प्रचिता यानी पहाड़ बना दिए कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर भी उसने क्या किया बहुत सारे लोगों को मारकर उनके हड्डियों के ढेर लगा दिए थे इसीलिए कह रहे कि तेन वाराणसी में भी बहु अस्थि गृह प्रचिता यानी उन्हें अस्थि यानी अस्थि का तात्पर्य हड्डियों के संदर्भ में यानी उसने हड्डियों के भी वहाँ पर भी ढेर लगा दिया बहुत सारे भारतीयों को उसने मार दिया फिर कह रहे रिंग तरंग यानी रिंग तरंग का अर्थ है चंचल तरंगों वाली भंगा यानी रिंग तरंग भंगा यानी चंचल तरंगों वाली गंगा अपी यानी गंगा नदी को भी उसने क्या शोणित शोणा शोणिकृता यानी शोणित शोणा यानी रक्त से लाल रंग की और शोणो यानी शोण नदी की तरह यानी उसने क्या किया रुधिर से उस गंगा नदी को भी गंगा अपि शोणित शोणा शोणिकृता यानी रुधिर से लाल रंग की उस गंगा नदी को भी रुधिर के रंग से लाल कर दिया और पर शस्त्राणी च और हजारों जो शस्त्र शब्द का हजारों जो देव मंदिर यानी जो भारतवर्ष के जो हजारों देव मंदिर है उनको भी भूमिशकृता यानी मंदिरों को धरती में मिला दिया क्या धूल में मिला दिया यानी मंदिरों को भी उसने तोड़ डाला इस तरह से इस गद्यांश में
अंबिका दत्त व्यास जी ने भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को बताते हुए पृथ्वीराज और जयचंद के ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख कर उनकी फूट से यवन साम्राज्य के भारत में जमने की जो व्यंजना की है, साथ ही साथ में सौबहुद्दीन ने किस तरह से भारतवर्ष में आतंक को मचाया उसको भी उल्लेखित किया है। एक बार वापस इसके अर्थ को देखते हैं कि ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्र च पारस्परिक विरोध, यानी तब उसने सौबहुद्दीन ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कन्नौज के राजा जयचंद्र के पारस्परिक विरोध ज्वर ग्रस्त उनके ज्वर से ग्रस्त होने पर विस्मित राजनीतिम यानी राजनीति से शून्य भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम आकलयाम अनायासेन भावोपियम, यानी कहने का तात्पर्य भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझकर दोनों को ही अनायासाई मारकर उसने क्या किया उभोपिय यानी दोनों के अनायास मारकर विशिष्य मारकर फिर क्या वाराणसी पर्यंतम अखंडलम मंडलम कंठकम अकिटकिटम, यानी उसने वाराणसी तक अखंड निष्कंड को कीट और मल से अस्पष्ट महारत्न के समान विशाल साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। तेन वाराणसी में अपनी बहु स्थिर गिरी प्रचिता, उसने वाराणसी में भी हड्डियों के बहुत सारे जो विशाल पहाड़ खड्डे कर दिए और फिर कह रहे हैं रिंग तरंग भंगा गंगा अपनी शोणित शोणा शोणिकृता, और उसने चंचल तरंगों वाली जो गंगा नदी है उसको भी रुधिर से लाल रंग का कर दिया और परसस्तानी च देव मंदिराणी भूमिश कृतानी, और हजारों देव मंदिरों को भी उसने धरती में मिला दिया। इस तरह से इसमें सौबहुद्दीन के द्वारा भारतवर्ष पर किए गए आक्रमण की जो व्यंजना है उसको उल्लेखित किया गया है।